हेल्दी कीटोजेनिक डाइट कैसे शुरू करें कीटो का लव्स कीटोसिस से निकला कीटोसिस में बॉडी फैट बर्न करती है और फैट सेल्स छोटे छोटे ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे बॉडी एज अ फ्यूल सोर्स इस्तेमाल करती है और दूसरा फ्यूल सोर्स है ग्लूकोज कीटोन्स एज अ फ्यूल सोर्स ग्लूकोज फ्यूल सोर्स से बहुत बेहतर होता है और मेजोरिटी पॉपुलेशन ग्लूकोज फ्यूल सोर्स पे चल रही है दूसरा अगर किसी को फैट लॉस करना है तो कीटोसिस और कीटोन्स के बगैर फैट लॉस मुमकिन नहीं ये रेलेटिवली क्लीनर फ्यूल सोर्स है और इसके बहुत से फायदे हैं जिसमें इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन इंक्रीज एनर्जी क्योंकि एनर्जी मेटाबॉलिज्म ब्लड शुगर लेवल्स के नॉर्मल रहने की वजह से सही होता है और वेट लॉस सो बेसिकली कीटोजेनिक डाइट में कीटो का मतलब है बर्निंग फैट बॉडी का ग्लूकोज की बजाय फैट को एज अ फ्यूल सोर्स इस्तेमाल करना हेल्थी कीटो का मतलब है ऐसी डाइट के जिससे बॉडी को सारे जरूरी न्यूट्रिय मिले और फैट लॉस भी हो ऐसी क्वालिटी टी चीजें खाई जाए कि जिसमें बॉडी की जरूरत के सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों कीटोजेनिक डाइट और इंटरमीटेंट फास्टिंग अब इंटरमीडेंट फास्टिंग क्या है ये कीटो डाइट की तरह कोई डाइट प्लान नहीं है ये पैटर्न ऑफ ईटिंग है पैटर्न ऑफ ईटिंग एंड नॉट ईटिंग दिन के मखसूस वक्त में आप खाना खाते हैं और बाकी वक्त में कुछ नहीं खाते फास्टिंग में परमिसेबल परमिसेब और फास्टिंग कैसे करें इस पे पिछली वीडियो में बात हुई है तो आप दो बार खाना खाइए तीन बार खाइए लेकिन स्नैक्स अलाउड नहीं है दो खानों के दरमियान कोई छोटी मोटी चीज खाना अलाउड नहीं है प्रॉपर खाना खा सकते हैं इससे क्या होता है कि खाने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है क्योंकि जब भी खाना बॉडी में जाता है तो इंसुलिन बढ़ जाती है और इंसुलिन हार्मोन का बढ़ा हुआ लेवल फैट लॉस को रोकता है बॉडी कीटोसिस में नहीं जा पाती कीटोन्स बन ही नहीं पाते क्योंकि रेगुलरली फूड बॉडी में जा रहा है ग्लूकोज बन रहा है बॉडी इसे एज अ फ्यूल सोर्स इस्तेमाल करती जा रही है और बड़ी हुई इंसुलिन बॉडी के लिए डेंजरस है हम इंटरमीडियंट फास्टिंग और हेल्थी कीटो डाइट के जरिए एक्सेस इंसुलिन को नीचे ला रहे हैं इंसुलिन को जीरो पे लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इंसुलिन पॉपुलशन में है क्योंकि का टेस्ट नहीं चेक किया जाता है और इंसुलिन के बारे में बात नहीं की जाती बहरहाल हम यहाँ इंसुलिन लेवल्स को नीचे लाने की बात कर रहे हैं और नंबर ऑफ मील्स को कम करने से फ्रीक्वेंसी कम करने से ये मुमकिन है इंटरमीडियंट फास्टिंग आप दिन में दो बार खाने

बॉडी कम न्यूट्रिएंट्स में गुजारा करने लगती है बॉडी न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा अच्छे से रिटेन या होल्ड करने लगती है और फिर यहाँ आता है कि फास्टिंग में में मसल लॉस 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 को कैसे रोकें क्योंकि वेट हमें फैट की तरफ जाना है ना कि मसल लॉस तो जो अच्छी बात है इंटरमीडियट फास्टिंग की वो ये कि इसमें ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है जो मसल्स को इंटैक्ट रखता है ग्रोथ हार्मोन मसल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है और इसमें आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग भी मिला लें तो इफेक्ट बढ़ जाएगा और इंटरमीडियंट फास्टिंग में बॉडी प्रोटीन कंजर्व करने लगती है जो कि मसल मैस इंटैक्ट रखने में हेल्प करता है मसल लॉस नहीं होता हेल्दी कीटो डाइट में इंसुलिन लेवल्स को कम रखने के लिए दो जरूरी बातें नंबर एक रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रिफाइंड कार्ब्स एडेड शुगर पास्ता पिज्जा का छनाटा मैदा कार्बोहाइड्रेट्स आप फ्रूट से ले सकते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट बट नॉट फ्रूट जूस जूस में फाइबर नहीं मिलता है और जूस में नेट कार्बोहाइड्रेट कॉन्टेंट ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ मोर शुगर जबकि एक्चुअल फ्रूट्स में

सोचने समझने और फैसला करने की सलाहियत बेहतर होगी दूसरी निशानियों में लैक ऑफ फोकस पुअर मेमरी मूडीनेस इरेटेबिलिटी समटाइम्स डिप्रेस्ड बैड टेम्पर्ड गुस्सा आना क्योंकि ब्लड शुगर हाई रहती है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है देन ऑलवेज हंग्री काब्स क्रेविंग हर वक्त खाने का दिल करना और रोटी चावल खाए बगैर पेट ना भरना यही वजह है कि इंटरमीडियंट फास्टिंग लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल रहती है सक्सेस रेट बहुत अच्छा है बिकॉज आपकी हर वक्त की भूख खत्म हो जाती है क्रेविंग्स खत्म हो जाती है, जाती हैं। इसको आप आसान कर सकते हैं क्योंकि कीटो डाइट प्लान जो ले ले, 20 ले ले और 5 -10 फिर कैलरीज काउंट करना इसका सिंपलीफाइड वर्जन यह है कि अपने खाने की प्लेट इस तरह से बना लें कि आधी प्लेट में सैलड हो क्वार्टर ऑफ द प्लेट इज प्रोटीन बाकी के क्वार्टर पार्ट में फैट हो और सैलड में थोड़े फ्रूट्स डाल लीजिए के लिए अमरूद नाशपाती एप्पल्स स्ट्रॉबेरीज ये फ्रूट्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं जबकि मैंगो ग्रेप्स वाटरमेलन ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स हैं और इंसुलिन स्पाइक की वजह बनते हैं क्योंकि जब हम हेल्दी कीटो की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ वेट लॉस में ही हेल्प नहीं करती बॉडी में से ओवरऑल इन्फ्लेमेशन कम होती है आप सुपर हेल्दी हो जाते हैं कॉगनेटिव फंक्शन बेहतर हो जाता है मूड ठीक होता है बॉडी सही से फंक्शन करती है चैनल पे आने का शुक्रिया ये हेल्दी कीटो की फर्स्ट एपिसोड है इस पे मजीद बात होती रहेगी अपना ख्याल रखिए i love us